दोस्तों आज मैं आपको टॉप 5 जबरदस्त स्मार्टफोन्स बताऊंगा अंडर 20,000 जो कि दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है, जहां पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 5G परफॉर्मेंस मिलता है मल्टीपल 5G बैंड्स के साथ, और साथ में 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल्स के कैमरास दिए गए हैं और साथ ही साथ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। तो गाइस अगर आपका भी बजट 15 से 20 हज़ार रुपये है और आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना है जिसमें आप जो चाहते हो वो सब कुछ मिले, तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है और आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट है। तो फुल एक्सप्लेन करूंगा, बट गाइस यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करूं जो कि आता है मेरी लिस्ट में वीवो की तरफ से, वीवो T1 5G। ये दोस्तों 4GB प्लस 128GB के साथ आता है। इस फोन में आपको बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है, हालांकि बैक पैनल प्लास्टिक का है बट फ्रंट पर कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो ओवरऑल गुड लुकिंग ये स्मार्टफोन है। दोस्तों इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है ड्रॉप नॉच के साथ, 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसमें दोस्तों रियर साइड में ट्रिपल कैमरास हैं, प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का, साथ में 22 मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो लेंस मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है, तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की ड्रॉप नॉच सेल्फी दी गई है। दोस्तों इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट यूज किया गया है जो कि ओनली 6nm प्रोसेसर है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और बजट सेगमेंट के हिसाब से एकदम तगड़ी गेमिंग कराता है, तो नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस आपका जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों ये स्मार्टफोन ओनली 2 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, N77 एंड N78, जो कि दोस्तों मे बी इंडिया में 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में 5G को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। दोस्तों इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें दोस्तों हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट मिल जाता है और 3.5mm का जैक और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 15,999। 16,000 रुपये में आप इस फोन के बेस वेरियंट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला मोटो G71 5G। ये दोस्तों 6GB प्लस 128GB के साथ आता है और ये एक ही वेरिएंट के साथ आता है। इसमें आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पंचोल के साथ, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें फिजिकली माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इसमें दोस्तों रियर साइड में 50 मेगापिक्सल्स के ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी गई है इन फ्रंट। दोस्तों इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 मिलता है जो कि 6nm प्रोसेसर है और तगड़ी गेमिंग कराता है, नो डाउट। साथ ही साथ आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, 13 5G बैंड का सपोर्ट, मतलब दोस्तों ये फुली फ्यूचर 5G रेडी स्मार्टफोन है, मे बी फ्यूचर में आपको 5G के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है और ये 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस फोन में डुअल सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, सिर्फ 2 सिम लगा पाओगे, SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसमें दोस्तों 3.5mm का जैक मिल जाता है और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है। इस फोन में प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलता है जो कि क्लीन UI है और पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। नो ब्लोटवेयर, नो एड्स, क्लीन इंटरफेस के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इस फोन में IP52 की रेटिंग भी दी गई है, जहाँ से दोस्तों काफ़ी हद तक वाटर एंड डस्क से प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये स्मार्टफोन 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जो कि सिर्फ एक ही वेरिएंट है और इसकी प्राइस है 18,999। 19,000 रुपये में आप इस फोन के डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो।
दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 9 प्रो 5G। ये 6GB प्लस 128GB के साथ ही आता है। इसमें आपको मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि पंचोल के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसमें दोस्तों रियर साइड में ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी मिलती है टॉप इन साइड इन फ्रंट। दोस्तों इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट यूज किया गया है। 6nm प्रोसेसर है, तगड़ी गेमिंग कराता है बजट सेगमेंट के हिसाब से नो डाउट। दोस्तों इस फोन में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी दिया गया है। इस फोन में दोस्तों 5000mAh की बैटरी है और ये 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें 3.5mm का जैक और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जो कि बेस ब्रांड है। इसकी प्राइस है 17,999। 18,000 रुपये में आप इस फोन के बेस ब्रांड को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स 05G। और ये दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट पावरफुल गेमिंग और फुली फ्यूचर 5G रेडी स्मार्टफोन है। ये दोस्तों सिर्फ एक ही ब्रांड के साथ आता है 8GB प्लस 128GB। इसमें आपको मिलता है 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले पंचोल के साथ। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी बड़ा डिस्प्ले यूज किया गया है वो भी 120 हर्ट्ज के साथ में। इसमें दोस्तों रियर साइड में ट्रिपल कैमरास हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी गई है इन फ्रंट। दोस्तों इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 5G चिपसेट यूज किया गया है जो कि अंडर 20,000 में ये पहला स्मार्टफोन है इस परफॉर्मेंस के साथ। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, ओनली 6nm पर बेस्ड है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको कराने वाला है अंडर 20,000 में। और साथ ही साथ 13 5G बैंड का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब ये फुली फ्यूचर 5G रेडी स्मार्टफोन भी है। दोस्तों इस फोन में आपको LPDDR5 रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी मिलता है। मतलब दोस्तों इस फीचर के साथ में अभी ये पहला स्मार्टफोन है इस बजट में जो कि दोस्तों फ्लेक्सिबल फीचर है, यानी कि दोस्तों इसमें फ्लेक्सिबल लेवल के फीचर्स ऑफर किए गए हैं मिड रेंज सेगमेंट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इस फोन में 5000mAh की बैटरी है और ये 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, 3.5mm का जैक भी दिया गया है। ये दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 19,999। 20,000 रुपये में डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 11 प्रो 4G। जी हाँ, ये एक 4G स्मार्टफोन है जो कि अभी अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया है। अगर दोस्तों आप 4G के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो इसके अंदर जो बाकी के फीचर्स ऑफर किए गए ना वो वन ऑफ द बेस्ट हैं, जो कि मैंने आपको ये स्मार्टफोन बताया ना इनमें भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ आपको 4G के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, बाकी के फीचर्स एकदम जबरदस्त मिलते हैं। दोस्तों ये 6GB प्लस 128GB के साथ आता है। इसमें आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पंचोल के साथ जो कि 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मतलब सुपर एमोलेड और 120 हर्ट्ज दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस फोन में मिल जाता है जो कि डिस्प्ले के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस करता है। दोस्तों इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी दिया गया है। इस फोन में रियर साइड में क्वाड कैमरास हैं, प्राइमरी लेंस है 108 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 22 मेगापिक्सल के डेप्थ एंड माइक्रो लेंस दिए गए हैं। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी गई है इन फ्रंट।
दोस्तों इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G96 मिलता है जो कि एक 4G चिपसेट है और 6nm प्रोसेसर है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। बट दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर आप डिसेंट गेमिंग कर पाओगे, उतनी ज़्यादा हैवी गेमिंग आप नहीं कर सकते, तो ठीक ठाक प्रोसेसर है। दोस्तों इस फोन में आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी है जो कि दोस्तों 67W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, साथ ही साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं जो कि अच्छी बात है। दोस्तों ये 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जो कि बेस वेरिएंट है जिसकी प्राइस है 17,999 18,000 रुपये। साथ में एक और वेरिएंट आता है 8GB प्लस 128GB जो कि आपको 19,999 20,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये थे बेस्ट स्मार्टफोन्स। आई होप आपने अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जरूर डिसाइड कर लिया होगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन परफेक्ट है जो कि आपके बजट में भी आता हो। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं पर भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।